वेल हम जॉन सीना एंड रोमन रेंस को लड़ते हुए देखते हैं, झगड़ते हुए देखते हैं। क्या आपको पता है ये कमाते कितना है पूरे साल का? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रोमन रेंस को रिप्लाई बता दूं जो जॉन सीना ने दिया। जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली जिस पर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड कुछ याद आया आपको जब प्रोमो हुआ था रोमन रेंस एंड जॉन सीना का, जॉन सीना ने यही बात बोली थी, तुम मुझे मार दोगे मुझे मालूम है लेकिन आखिरी में 1 2 3 तो मैं ही करूंगा, इसका मतलब है मैं ही जीतूंगा, मेरे पास होगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यही चीज यही पोस्ट डाली है जॉन सीना ने एक बार दोबारा याद दिलाने के लिए रोमन रेंस को कि 1 2 3 तो होगी, लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले जॉन सीना कितना कमाते हैं पूरे साल में मैं आपको बताता हूं, 63 करोड़। भाई ये तो मेरे से पढ़ भी नहीं हो रहे आगे, $8.5 मिलियन जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 63 करोड़ एंड कुछ रुपए बनते हैं। जॉन सीना के कौन बनेगा करोड़पति में जाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही करोड़पति है। अब बात करते हैं रोमन रेंस की, वो कितना कमाते हैं। कमाते हैं भाई 37 करोड़ 15 लाख। भाई ये 1% हमें दे दो यार। गाइस जितने भी रेसलर है WWE में सबसे ज्यादा इनकम है रोमन रेंस की। इस टाइम मैं फुल टाइमर की बात कर रहा हूँ, पार्ट टाइमर की नहीं कर रहा, जॉन सीना हमारे पार्ट टाइमर है। गाइस इन दोनों में अभी पैसे तो मैटर नहीं करते कौन ज्यादा कमाता है या फिर नहीं, इस टाइम तो रेपुटेशन की लड़ाई है इन दोनों में। समर स्लैम इनका मैच होने वाला है, आपको बताया आपका काम कमेंट्स में बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो एंड किसको नहीं, कौन आपका फेवरेट है रोमन रेंस या फिर जॉन सीना कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हमारे गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग ने कल स्पीयर लगा दी थी वो भी लैशली को, एंड लेकिन गोल्डबर्ग ने रिडल को बहुत ज्यादा प्रेज किया। गोल्डबर्ग ने पहले कहा कि मुझे रिडल बहुत ज्यादा पसंद है, उनको बिजनेस की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है इस टाइम WWE में। बाद में गोल्डबर्ग ने कहा मैट रिडल है बेवकूफ है, पर भाई ये क्या मतलब। ड्रू मैकइंटायर ने अपने रेसलमेनिया 38 में अपना ड्रीम ओपोनेंट बताया है, मैं आपको बताता हूं आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब मार दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना एंड लाइक तो आप मार ही देते हो। ड्रू मैकइंटायर ने बताया कि वो शेमस से लड़ना चाहते हैं रेसलमेनिया 38 में, एंड रेसलमेनिया कोई छोटी तो होती नहीं है लेकिन फिर भी ड्रू मैकइंटायर का फेवरेट ओपोनेंट ड्रीम ओपोनेंट है शेमस रेसलमेनिया पर। वेल अब आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एटीट्यूड बॉय बोलते हैं इन फ्यूचर मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग, भाई बहुत ही तगड़ा हुआ ये मैच होने वाला था यार, कोरोना ने सारा काम खराब कर दिया। इसमें आई थिंक रोमन रेंस जीत जाते हैं, WWE के लिए रोमन रेंस बहुत मायने रखते हैं। मुझे नहीं पता भाई फीड को क्यों बरी करवा दिया था गोल्डबर्ग से। आप क्वेश्चन पूछे कमेंट्स में, जैसे जॉन सीना पढ़ रहे हैं मैं भी आपके क्वेश्चन ऐसे पढ़ता हूं और आंसर भी दे देता हूं एक दो के। सो यहां तक अगर सब्सक्राइब मार दे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, लाइक मार देना वीडियो को। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।